बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रही हूँ। आपको 12.2 का इंट्रो जो है वो मिल चुका होगा, तब वो मैंने अपलोड कर दिया था। स्टार्ट करते हैं। आपके पास 12.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपके पास जो है वो इस तरह से गिवन है कि क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। हर क्वेश्चन की वीडियो आपको पता है मैं अलग अलग बनाती हूँ। अब ये क्वेश्चन है, ये पार्ट्स नहीं है। अगर ये वन के क्वेश्चन वन के पार्ट्स होते तो मैं जो है वो इसको एक ही साथ करवाती, बट यहाँ पर ये तमाम के तमाम मेन क्वेश्चंस दिए हैं। वन इस तरह से, 2, 3, 4, तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास, क्वेश्चन 7 के आपके पास पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 8 के पार्ट्स हैं और क्वेश्चन 9 के भी पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट्स तो आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे, मगर ये जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, इनकी तमाम की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तमाम वीडियोज़ के लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। जैसे जैसे मैं अपलोड करती जाती हूँ, मैं उसको जो है वो अपडेट करती जाती हूँ। इस तरह से आपको ईजी भी रहता है किसी भी क्वेश्चन को सर्च करने में एक्सरसाइज से रिलेट करते हुए। इसके अलावा तमाम जो है यूनिट्स की प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दी है, ताकि आपको बआसानी आपके जो है वो जो भी आपकी नीड है जिस क्वेश्चन की भी, वो आपको इजीली मिल जाए। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। वीडियोज़ पसंद आएँ तो वीडियोज़ को जो है वो लाइक, उसको भी लाइक किया कीजिए। और तमाम स्टूडेंट से एक और रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके साथ मैंने एक चैनल का लिंक शेयर किया है, प्लीज़ जो स्टूडेंट मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। आपसे कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द गिवन इंटरवल। आपने ग्राफ जो है बनाना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और जो गिवन इंटरवल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस साइन x, और x जो है वो 0 से आपका 0 के इक्वल और 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा और 2 पाई के इक्वल आपके पास यहाँ पर गिवन है इंटरवल, ठीक। स्टार्ट करते हैं। तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर देखते हुए चलना है। हमें एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट करना होगा, हमें यहाँ पर पीरियड भी फाइंड आउट करना होगा, देन फिर हम इजीली जो है अपना ग्राफ प्लॉट कर सकेंगे। और एक्स के पास, एक्स के जगह हमने 0 से 2 पाई के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उनको यहाँ पर प्लेस करना होगा। अब जितनी भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझाऊँगी, डिटेल में समझाऊँगी, ताकि आपको तमाम क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल ना हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो भाई देखें, सबसे पहले तो हमने करना क्या है, अब ये आपने किसी भी ग्राफ के लिए आपने सबसे पहले टेबल ख़ुद से बनाना है, ठीक है। अब ये टेबल यहाँ तो मैं आपको पूरा बनाना बताऊँगी। मैं साइन एक्स के टेबल पे जा रही हूँ। यस, आपके पास ये है, ये टेबल आपने ख़ुद से बनाना है, ठीक है। ये आपके पास है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए। अभी हमें वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स के लिए बनाएंगे, ठीक है। ये तमाम के तमाम मैं आपको बनाना बताऊँगी, और इंटरवल जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। अभी हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2 पाई, तो हम 0 से इंटरवल स्टार्ट करेंगे और 2 पाई तक जाएंगे, ठीक है। ये हमारा इंटरवल होगा। इसके अलावा आपने हर 30 डिग्री के बाद का जो है वो मालूम करनी होती है वैल्यू, हर 30 डिग्री के बाद, तो इसको पाई में चेंज करना आपको आना चाहिए। जैसे कि अब आप 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री को अब आपने पाई में चेंज करना है, तो 90 डिग्री जो है वो 180 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास, यानी पाई बाय 2 90 के इक्वल होता है। इसी तरह आपको 120 को पाई में चेंज करना है, सर 150 को, तो ये आपने समझ लिया डिग्री से रेडियन में चेंज करना आपको आता है। जिन बच्चों को नहीं आता तो उनको मैं समझा देती हूँ जस्ट ईजिली, ताकि वो भी जो है वो ईजिली कन्वर्ट कर सकें डिग्री को रेडियन में, ठीक है। अब डिग्री से तो आपने फ़ौरन रख लेना है 0, 30, 60, 90, 120, 151, 82, 10, 242, 70, 300, 330 एंड 360। 0 से 2 पाई आपका इंटरवल मौजूद है, अभी जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है उसका, ठीक है। अब इसको मैं आपको रेडियन में चेंज करने बताऊंगी। यहाँ पर मैं टेबल जो है वो जस्ट ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से, ताकि आपको इजीली जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूँ। नाउ यहाँ पर टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया है। टेबल जो है आपके पास ड्रॉ मैंने किया है, यहाँ पर 13 जो है वो मेरे पास बॉक्सेस थे, ठीक है। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल में करवा रही हूँ, ताकि तमाम क्वेश्चन को आप ईजिली कर सकें। अब यहाँ पर हमें डिग्री में तो मुझे पता है कि मैंने 0 से 2 पाई तक जाना है, ठीक है। मेरे पास -2 पाई से, जैसे क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर गिवन था -2 पाई से आपने पाई तक जाना था, तो ये बहुत बड़ा टेबल बना था। लेकिन हमारे पास जो हमारे पास इंटरवल हमें गिवन है वो 0 to 2 पाई है, ठीक है। यहाँ पर ये पाई मौजूद है, आई थिंक मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया है, ये आपके पास है पाई। नाउ अब ये आपने याद रखना है, फर्स्ट होता है 0, 0 के बाद आपने 30, 30 इंक्रीज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स अभी छोड़ दें, वो आपके लिए पाए बाय मैं आपको बताती हूँ किस तरह। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, इसी तरह 120 डिग्री, 30 ऐड करती जाइए, ठीक है, 150 डिग्री, 180 डिग्री,
210 डिग्री, 240 डिग्री, इसी तरह 270 डिग्री और 300 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री, ये आ गया 2π। अब ये तो आपको पता चल गया 360 जो है वो 2π होता है, ये तो आपको पता है, और ये तो 0, 0 ही होता है। अब 30 को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो जल्दी से जो है आपको मैं बता देती हूँ। देखिए 30 डिग्री ना आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, इसे हर वैल्यू का पाई बाय 180 से करते जाएंगे। देखिए 31 से 30, 36 से 180, तो ये हो गया पाई बाय 6। तो यहाँ आपने प्लेस कर दिया पाई बाय 6, ये आपको याद हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस आप करेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएंगे। बिल्कुल अगर एग्जाम में याद ना आए तो आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो पाई बाय 180 से किया, इसी तरह 60 डिग्री को हम करेंगे मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से, तो 61 से 60, 63 से 180, तो ये हो गया पाई बाय 3। इस तरह पाई बाय सो करेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से, तो 91 से 90, 92 से, तो ये हो गया पाई बाय 2, ठीक है। इस तरह आप तमाम की तमाम रेंडमली जो है वो जल्दी जल्दी से फाइंड कर लेंगे, ये आ गया पाई बाय 2। इसी तरह से 120 का है, 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो यहाँ से देखें 0 से 0 कैंसिल और 2 से कर लें, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, तो ये हो गया 2π/3। तरह 150 को करेंगे, या आपने रफ कॉलम में कर लेना अगर आपको नहीं आ रहा, कैंसिल, 3 5 15, 3 6 18, तो π/5π/6। इस तरह से 180 आपके पास सिंपल पाया होता है। अब देखिए 180 करेंगे ना, तो देखिए 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 180 से 180 कैंसिल, पाए बचेगा। इस तरह से आपने तमाम के तमाम फाइंड कर लेने, ठीक। नेक्स्ट भी 210 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 7 21, 3 6 18, तो 7π/6। इस तरह 240 का भी कर लेंगे, मैं तमाम रेस कर दूंगी ये करवाने के बाद, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 24, 3 6 18, 2 4 8, 2 3 6, 4π/3, ठीक है। अब आप तमाम के तमाम निकाल फाइंड आउट कर लेंगे इजीली, तो मैं जस्ट यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ, 3π/2, ये है आपके पास 5π/3, ये है आपके पास 11π/6, और ये 2π, ठीक है। तमाम वैल्यूज इस तरह से आपने कर लेनी है फाइंड आउट। नाउ तो मैं कर देती हूँ रेस। अब जो बच्चे भूले नहीं उनके लिए मैं लिख देती हूँ कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। आपने क्या करना है, 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18, तो ये आपके पास आ गया पाई बाय 6, ठीक है। ये मैंने एक जो है वो साइड में कर दिया ताकि आपको इजीली याद रहे। अब ये तमाम वैल्यूज़ आप पुट करेंगे डिग्री की कैलकुलेटर में और कैलकुलेट करके आप ये वैल्यूज़ को कर लेंगे फाइंड आउट, ठीक है। अब माइनस की वैल्यू है, तो देखिए नेगेटिव है 0 पे, तो आपको पता है साइन 0, 0 ही होता है, ठीक है। अब 30 करेंगे तो माइनस साइन लाजमी आएगी, तो आप रखेंगे साइन माइनस 30, तो ये आ रहा है माइनस का 0.5। इसी तरह से साइन माइनस 60, तो ये आ रहा है माइनस का 0.86। साइन का आपने बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो वैल्यू के नेगेटिव होने से आपके पास कैलकुलेटर में प्लेस करेंगे तो आपको खुद ब खुद नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेटर देगा, ठीक है। आप 2-4 सब क्वेश्चंस करेंगे ना, खुद ब खुद आपको वैल्यूज याद होना शुरू हो जाएंगे। साइन 91 हो गया, ठीक है। माइनस 1 हुआ क्योंकि माइनस साइन थी, साइन माइनस 90 था, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्योंकि माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, कॉस का होगा तो थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है। साइन माइनस 120, माइनस 0.86,
150 के लिए करें साइन माइनस 150 माइनस 0.5। अब आप देख रहे हैं वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो ये आपको याद हो जाएंगी। अभी तो मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए कह रही हूँ, मगर ये आपको थोड़े से अरसे में याद हो जाएंगी। ज़ीरो साइन माइनस 210 प्लस 0.5, ठीक है, क्योंकि सर्किल कंप्लीट हो गया। अब आपके पास 210 आपके पास आ गया है। नाउ साइन माइनस 240 प्लस 0.86, इसी तरह 270 आपके पास देखे वो आएगा 1, ठीक है। अब रिपीट हो रही है वैल्यू टाइम इंटरवल के बाद, तो 1 के बाद देखें 0.86 है, तो 3 पे देखें 0.86 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके भी देख लें, साइन माइनस 300 0.86, ठीक। इसी तरह से साइन माइनस 330 0.5, देन फिर 360 0, ये आपने वैल्यूज़ को कर लिया कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब आपने करना है ग्राफ प्लॉट, तो ग्राफ में आपके पास एम्पलीट्यूड पता होना ज़रूरी है। हमें पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपके पास एम्पलीट्यूड बताती है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा एम्पलीट्यूड कहाँ है, इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पर माइनस 1 मौजूद है, मॉड में रखते हैं तो ये आ गया 1, तो आपके पास एम्पलीट्यूड जो है वो 1 तक जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है वैल्यूज़ को फाइंड। अब आपने ले लेना है ग्राफ पेपर, ठीक। अब ग्राफ पेपर पे मैं इस तरह से प्लॉटिंग करूँगी, ठीक है, ताकि आपको जो है वो इजी रहे। अब यहाँ पर मैं यहाँ से बना रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ ग्राफ को। अच्छा, मेरी वैल्यूज़ को आपने देखना है कहाँ तक जा रही, तो जो मैक्सिमम वैल्यू वो 0.86 तक है, तो हम इसको 0.86 तक ही बनाते हैं ज़्यादा। ये आपके पास है, ठीक। अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ वैल्यूज़, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं, माइनस का एक्स एक्सिस भी चाहिए हमें, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव भी चाहिए, वाई एक्सिस और नेगेटिव भी। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे की जानब ये है माइनस का वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस की हमें पॉजिटिव की ज़रूरत है, क्योंकि 0 to 2 पाई इंटरवेल है आपके पास। तो एम्पलीट्यूड हमने रख दिया 1 आपके पास, तो 1 के लिए क्या होगा, देखिए मैं इसको ले रही हूँ 1 स्मॉल बॉक्स को 0.1 के इक्वल, ठीक है, 0.1 0.2 0.3 0.5 हो गया यहाँ पे, और जस्ट ये यहाँ पर हो गया 1। इसी तरह से ये हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक। आप 2 स्मॉल बॉक्सेस को भी ले सकते हैं ताकि आपको इजी रहे, थोड़ा सा आपकी मर्जी है। नाउ अब मैंने यहाँ पर प्लेस करनी है वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ से हम कितनी 13 आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपके पास 0, यहाँ पर हम ले लेते हैं पाई बाय 6, इस पे ले लेते हैं हम पाई बाय 3, यहाँ पर हम ले लेते हैं पाई बाय 2, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 पाई बाय 3, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 पाई बाय 6, यहाँ पर आ जाएगा पाई, इसी तरह से 7 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, फाइव पाई बाय 3, 11 पाई बाय 6 एंड 2 पाई, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, और हमने यहाँ पर लिख दिया कि ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 0.1 यूनिट, और ऑन वाई एक्सिस, अच्छा स्मॉल बॉक्स मैंने 1 यूनिट के इक्वल ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया है कि 5 स्मॉल बॉक्स, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू
30 degree. ठीक, ऑन वाई एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स इक्वल्स 2.1 यूनिट. ठीक, अब आपने वैल्यूज़ को पुट करना है. ज़ीरो पे ज़ीरो ही है तो यहाँ है. ठीक है, पाई बाय सिक्स पे आपके पास है -0.5. तो -0.5 का क्या मतलब है आपके पास कि देखिए ये तो है 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. तो यहाँ है आपके पास. इसी तरह से 0.86 है माइनस का, तो माइनस का है नीचे की जाने पाएंगे 0.8, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.86. ठीक, फिर है 90 पे आपके पास -1. इसी तरह से आपके पास होगा 120 यानी 2π/3 पर आपके पास है 0.86. तो वापस देन फिर -0.5 π/3 पे, देन फिर 180 पे 0. इसी तरह अब आपके पास वापस नीचे जाएगा 7π/6 पे 0.5 है पॉजिटिव. अब ऊपर की जाने जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आ गई. प्लस का 0.5, प्लस का 0.8, तो 4π/3 पे 0.86 होगा. तो 0.6, 0.7, 0.8 और 0.86 आ जाएगा इसके दरमियान में. 0.86 और ये इस पर हो जाएगी वैल्यू 3π/2 पे 1. नाउ वापस तो ये आ जाएगी वैल्यू फिर अगेन यहाँ पर, क्योंकि 5π/3 पे 0.86 है एंड देन फिर 0.5 एंड देन 0. पॉइंट्स आपने प्लॉट कर लिया. आई होप आपको जो है वो क्लियरली नज़र आ रहे होंगे. इसको मैं थोड़ा सा फोकस कर दूँ. बिल्कुल इस तरह अब आपको डॉट्स जो है यहाँ पर प्लेस हुए हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह से जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास और एक साइकिल होगा आपके पास यहाँ पर 1 साइकिल, क्योंकि एन साइन थीटा है आपके पास यानी 1 है. इस तरह से मैं इसे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बुक में है बहुत सफाई से तमाम पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करते जाना है. ये आपके पास आ गया ग्राफ. आई होप आपको जो है वो समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरह से आपने ग्राफ बनाना है. क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत डिटेल में कोशिश की थी समझाऊं ताकि हर एक चीज़ हर एक पॉइंट आपकी समझ में आ जाए. इंट्रो में भी कोशिश की थी, मगर इंट्रो में ये था कि बुक में ग्राफ बने हुए थे. मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में जाके जो है ग्राफ बनाती तो वो और लेंथी वीडियो जाती. अभी भी आपको पता है 2 पार्ट्स में है और 40+ मिनट्स के जो है वो पार्ट्स हैं 2, तो वही देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे इतनी लेंथी वीडियोज़ को जो है ना प्रेफर नहीं करते देखना कि भाई इतना टाइम जो है कंज्यूम होगा. लेकिन प्लीज़ देखा कीजिए, बहुत जो है वो आप ऐसे देखा कीजिए कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो. यानी आप अगर रेस्ट कर रहे हैं उस टाइम आप वीडियो देख लें, उसमें जो जो पॉइंट्स आपको वो समझ में आते जाते हैं वो आप नोट डाउन करते जाएं. ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियोस को देख के उसमें से जो आपकी जो समझने वाली चीज़ें जो जो आपको ईजी करती हैं क्वेश्चन को वो आप लिखते जाया कीजिए, तो आपकी भी टाइम की जो है वो बचत होगी. इस तरह से आप जो है वो वीडियोज़ को स्किप भी नहीं करेंगे. तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ.